नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटीज का लिंक क्या है हमने पीछे जब जी स्कोर्स पढ़े हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है हमने हमने देखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो अंडर एरिया है दैट इज़ वन और वो सारे का सारा कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अमेट्रिकल विच इज़ द विद हाइस्ट फ्रिक्वेंसी इन द मिडल जहाँ के उसकी पीक uh, बनाता है एंड देन फ्रिक्वेंसीज टेपरिंग ऑफ एज यू मूव टूवर्ड दीचे आता जाता है द नॉर्मल शेप कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब बाई द प्रोपोर्शन ऑफ़ द एरिया कंटेंड इन ईच सेक्शन ये हमने अभी बात की है कि हर सेक्शन के अंदर जो प्रोपोर्शन है बेसिकली वही प्रॉबिलिटीज़ हैं किसी भी स्कोर के किसी भी इंडिविजुअल के उस सर्टन एरिया में आने की इसलिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही रख के हर एक को प्रॉबलिटीज़ को पढ़ सकते हैं वाई बिकॉज़ वी वॉन्ट टू नो कि किसी भी चीज़ की uh, कितनी प्रॉबिलिटी आकर करने की तो वी विल कन्वर्ट द स्कोर इं टू जी स्कोर एंड देन वी विल फाइंड आउट कि उस जी स्कोर के ऊपर डाक के हम देखेंगे वो कहाँ पे फॉल करता है और फिर उसका जो एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एक्चुअली दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अक्रिंग विद इन दैट एरिया जो हमने स्पेसिफाई uh, किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल ये हमने बताया हुआ है पहले भी मैंने स्लाइड में दिखाया आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्री स्टैंडर्ड एवियशन इधर राइट पे और थ्री स्टैंडर्ड एवियशन लेफ्ट पे इंडिकेटिंग नॉट ओनली दाइंस बट ऑल्सो द नोेरिकल वैल्यूज फॉर ईच दोर दैट करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर एरिया विद इन दैट रीजन ये हमने ऑलरेडी uh, बात की हुई है कि फ्राम जीरो टू वन हमारा एरिया uh, ये वाला आपका थ्री पॉइंट थ्री फोर वन एट है या थर्टी फोर परसेंट है और फिर हमारा वन uh, से लेके टू स्टैंडर्ड डिजन का एरिया थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट या पॉइंट वन थ्री फाइव नाइन परसेंट है और इसी तरह टू से लेके ऑनवर्ड ये हमेशा आप देखेंगे कि कभी भी टच uh, नहीं करता एंड्स को सो so जी की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा सकती है लेकिन चूंकि मैंने बताया है कि प्लस माइनस थ्री में ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट एरिया एंड मोर कवर हो जाता है तो बहुत ही टाइनी सा बचता है मार्जिन जो कि हमारा ओपन एंडेड एंड तक जाता है इवन टू स्टैंडर्ड एवियेशन के बीच में प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड इविशन के बीच में नाइन्टी फाइव परसेंट एरिया या प्रोबेबिलिटीज आपकी कवर हो जाती हैं तो इसलिए लेकिन एक्चुअली ये ओपन हैंड है टच कभी भी नहीं करता इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इसलिए आपकी जी की वैल्यू कोई भी आ सकती है अगेन दिस इज़ ए ग्राफ यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड वेन वी मार्क फ्रॉम ज़ीरो फ्रॉम मीन टू एनी जी स्कोर वैल्यू वी कैन मार्क द एरिया एंड वी कैन कैलकुलेट द ए एरिया एंड देन वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द प्रोबिलिटी ऑफ एनी स्कोर फॉलिंग विद इन दैट रीजन फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ स्कोर ऑफ़ टू जैसा हमने पीछे भी बात की है और आपकी मैं बताना चाहूँ कि कितनी प्रॉबिलिटी है कि आपसे uh, आप कितने लोग नीचे हैं या क्या प्रॉबिलिटी है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर मैं पिक करूँ इस डिस्ट्रीब्यूशन में तो ही और शी विल हैव स्कोर लोअर देन दिस तो फिर हम उसकी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उस एरिया के अंदर हम उसकी प्रोबेबिलिटी से हम उसको डिनोट करके बता देते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का इस एरिया में फॉल करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है या रेंडमली अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी इंडिविजुअल पिक करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका स्कोर इस पॉइंट से नीचे होगा तो यू विल आइडेंटिफाई द एरिया एंड देन यू नो एक्सप्लेन दैट एरिया एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ़ अक्रिंग दैट इवेंट जो भी जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं uh, इसमें हमने पढ़ लिया हुआ है कि हम उसको एरिया फाइंड आउट करने के लिए या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमेशा पहले हम एक्स स्कोर को जी स्कोर में कन्वर्ट करेंगे यानी स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे और उसका फॉर्मूला हमने पिछले अभी स्लाइड में किया है विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस मी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्डविएशन यूजली मैंने आपको इसलिए म्यू और स्टैंडर्डविएशन किया है ये म्यू का सिंबल है जो कि हम पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये सिग्मा है ये भी सब पापुलेशन के डिविएशन के लिए यूज़ करते हैं लेकिन चूँकि यहाँ पे हम ज्यूम कर रहे हैं कि जो भी मैं आपको सैम्पल एग्जांपल दे रही हूँ दैट इज़ द होल पॉपुलेशन और उसके अंदर से हमने सैंपल ड्रा करना है दैट्स वाई आई एम यूजिंग दीज नोटेशंस लेकिन सैंपल में डेफिनेटली आपके फ़र्क हो जाएंगे वेन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू जी कोज द मीन बिकम जीरो हमें पता है और बड़ी अच्छी तरह याद हो चुका है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर जी में कनफॉर्म ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका मीन जीरो और डिविएशन वन हो जाएगा ना द पॉइंट फॉर दिस लेक्चर इज टू रीली रियली फोकस एंड अंडरस्टैंड इस टेबल के ऊपर ये ग्रेवेटर की किताब या किसी भी स्टिस्टिक्स की किताब में एरिया अंडर द नॉर्मल कव का टेबल दिया होता है एरिया अंडर द नॉर्मल कव और ये हर स्टैट्स की किताब में अपेन्डिस के अंदर दिया होता है एंड के ऊपर जो ये वाला टेबल की एग्जांपल मैंने ग्रेवेटर की किताब में से ली है आप जब जी स्कोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं उस जी स्कोर्स को कैलकुलेट करने के बाद आप उसका एरिया हमेशा मार्क करते हैं और फिर उन जी स्कोर्स का एरिया कैसे मार्क करते हैं आप उस टेबल में से जाके किसी भी पर्टिकुलर जी के लिए आप उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं मसला हमें पता है कि वन का एरिया कितना होगा ना ये हमने पहले पूरा टेबल नहीं है इट्स लाइक थ्री पेजेस फोर पेजेस टेबल लेकिन इट्स जस्ट अ स्लाइस ऑफ दैट टेबल तो अब जब हम जी स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके क्रिस्पॉन्डिंग हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं ग्रेवेटर की अच्छी किताब ये है इसकी अच्छी बात कि इन्होंने तीनों डायमेंशन के साथ एरिया देखना बताया हुआ है यानी फ़र्ज़ करें कि अगर मेरा पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और मुझे चाहिए कि कितने परसेंट लोग इस स्कोर से बिलो मार्क कर रहे हैं तो उन्होंने ये जो हमारा एरिया है बॉडी का आप कॉलम बी देखेंगे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉबिबिलिटी और एरिया बिलो एनी गिवन पॉइंट तो फिर आप उसका ये देखेंगे अब है ये प्रोपोर्शन टू टेल अगर मैंने देखना है कि क्या प्रॉबिलिटी है कि मैं टॉप टेन परसेंट वाले लोगों में से कोई आइडेंटिफाई करूँ स्टूडेंट जो कि लाइक like है इफ़ आई हैव टू लुक एट द प्रोबेबिलिटी और एरिया ऑफ दिस टेल, देन आई विल करस्पॉन्ड और लुक द वैल्यू इन दिस कॉलम और अगर मुझे चाहिए कि मीन से लेके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक का एरिया फाइंड आउट करना है कि अगर आपका मीन मीन uh, इतना है और अगर मुझे चाहिए कि जी स्कोर वन तक का कितना प्रॉबिलिटी है तो फिर मैं उसमें इफ़ आई हैव टू मूव फ्राम मीन टू एनी गिवन जी स्कोर तो फिर मैं इस इस वाले कॉलम में से एरिया की वैल्यू देखूंगी सो दीज आर एक्चुअली द करस्पॉन्डिंग एरिया फॉर एनी पर्टिकुलर जी वैल्यू हेयर विच विल करस्पोंड टू द प्रोबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अक्रिंग विद इन दैट एरिया एस अ कम्प्लीट लिस्टिंग ऑफ दी स्कोर एंड प्रपोर्शन इज प्रोवाइडेड इन दूनिट नॉर्मल टेबल स्ट्रक्चर्ड इन फोर कॉलम फॉर्मेट चौथा कॉलम ये जी स्कोर्स की वैल्यू हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे दिस टेबल डिस्ट प्रपोर्शन ऑफ़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ पॉसिबल जी स्कोर्स यानी ये फुल रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल जी स्कोर्स इन्होंने दिया हुआ है जीरो से ले आपका एंड तक उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है और ये उसको मैंने जो अभी ड्रॉ किया था एक्चुअली ये ज़्यादा नीट फॉर्म है कि कॉलम ए जो है वो जो पीछे हमने देखा है वो तो Z स्कोर्स का कॉलम है जिसमें Z की वैल्यूज़ हैं दिस इज कॉलम बी जो उनका पीछे टेबल में था दैट करस्पॉन्ड्स टू द बॉडी और लार्जर पोर्शन देन कॉलम सी जो उस टेबल उस के अंदर था दैट करस्पॉन्ड्स टू द टेल एरिया एंड देन कॉलम डी जो कि मेन से Z तक एरिया को स्पेसिफाई करता है और उसके अंदर से हम उसकी प्रॉबिलिटीज़ निकालते हैं फाइंडिंग प्रोपोर्शनज़ और प्रोबिलिटीज फॉर स्पेसिफिक जी स्कोर हम कैसे निकालते हैं हम सबसे पहले uh, उसका जी कैलकुलेट करेंगे उस जी को उस टेबल के अंदर हम लोकेट करेंगे हम एरिया मार्क करेंगे और प्रॉबोबलिटी फाइंड आउट करेंगे लेट्स डू एन एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल वट प्रोपोर्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करिसपोन्ड टू जी स्कोर वैल्यूज़ ग्रेटर दैन वन तो इसके लिए सबसे पहले आई विल ड्रॉ द नॉर्मल कर्व सो ये हमारा मीन है और ये हमारा वन है प्लस वन और वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट एरिया क्रिस्पॉन्स टू द वैल्यूज ग्रेटर देन वन इसका मतलब है ग्रेटर देन वन में वो हमसे ये वाला पूछ रहा है एरिया और हमने अगर जेड ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है वन का तो हम उस टेबल के अंदर जाके करिस्पॉन्डिंग एरिया देखेंगे वन uh, का विच इज़ इक्वल टू पॉइंट थ्री फोर समथिंग है तो इसका मतलब है कि द प्रोबिलिटी ऑफ वट प्रपोर्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करिस्पॉन्ड टू जी स्कोर वैल्यूज ग्रेटर देन वन इट इज पॉइंट थ्री फोर या थर्टी फोर परसेंट आपका उसके अंदर आंसर आ जाएगा सो so, हमने गिवन रॉ स्कोर से जी स्कोर निकाल के उसकी एरिया फाइंड आउट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की वी कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो अगर हमें एरिया गिवन हो तो हम एरिया के करस्पॉन्डिंग जी स्कोर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्सली रिवर्सली टेबल को देख करके फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैंने आपको देखा हुआ एग्ज़ाम्पल फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाट जी स्कोर सेपरेट्स द टॉप टेन परसेंट फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन न अगर आप देखें तो आपको एरिया एक किस्म का दिया हुआ है और आपने उसके करस्पॉन्डिंग जी स्कोर फाइंड आउट करना है आपने कहा ये है टेन परसेंट एरिया टॉप टेन परसेंट तो आपने बताना है कि यहाँ पे जो जी स्कोर है जो टॉप टेन परसेंट को अलग कर रहा है बाकी नाइन्टी परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन से वो क्या है तो इसमें भी आपका टेबल ही मेजिकल है आपके पास जो टेबल मैंने आपको पीछे दिखाया है ग्रेविटर की बुक में से उसी में से हम बजाय Z से उसका करस्पॉन्डिंग एरिया देखने के हम एरिया से उसका करस्पॉन्डिंग Z देखेंगे तो इसके अंदर मैंने ये मार्क किया हुआ है सो इफ़ आई गो इन द यू नो कॉलम्स जो के uh, B C D दिए हुए थे तीन कॉलम तो उसमें से मैं एरिया वाला देखूँगी आपका uh, कि उसमें चूँकि मुझे uh, Z चाहिए तो मैं पॉइंट वाला एरिया देखूँगी तो मुझे मे बी एग्जैक्टली टेन परसेंट का एरिया ना मिले वेन आई लुक टेबल मुझे जो क्लोजेस्ट वैल्यू मिली है एरिया की वो पॉइंट वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री मिली है और अगर आप ख़ुद भी जाके देखेंगे तो उस एरिया के पॉइंट वन जीरो ज़ीरो थ्री के करस्पॉन्डिंग जो है आपकी जी uh, की वैल्यू जो दी हुई है वो है वन पॉइंट टू एट सो द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर द जी स्कोर विच सेपरेट्स द टॉप टेन परसेंट फ्रॉम द बॉटम नाइन्टी परसेंट इज़ वन पॉइंट टू एट आप खुद ग्रेवेटर की किताब अपेंडिसिस में जाके एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व देखें और उसमें से आप फाइंड आउट करें ऑलवेज रिमेंबर कि इधर यू आर फाइंडिंग इन एरिया और यू आर फाइंडिंग आर जी स्कोर एंड द प्रोबिलिटीज ऑलवेज ड्रॉ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड देन ऑलवेज हाईलाइट विच एरिया यू नीड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टॉप पर चाहिए तो ऑफ़ कोर्स आप उसका टेल वाला जो कॉलम दिया हुआ है ना टेबल के अंदर मैंने आपको अभी दिखाया है वो देखेंगे अगर आपने बिगर एरिया देखना है ये वाला तो फिर आप उसका बी वाला कॉलम देखेंगे और अगर आपने फ्रॉम मीन टू देखना है तो फिर आप उसका जो थर्ड कॉलम था जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है मीन से जी स्कोर का वैल्यू अब वो देखेंगे प्रॉब्बिलिटीज़ फॉर अ स्कोर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने किसी भी स्कोर से जाके उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं मसलन इट इज़ नोन दैट आई क्यू स्कोर फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ हंडर्ड एंड अ स्टैंडर्ड एवियेन फिफ्टीन गिवन दिस इंफॉर्मेशन वॉट इज़ द प्रोबिलिटी ऑफ रेंडमली सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल विद एन आई क्यू स्कोर लेस देन वन ट्वेंटी इट्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पॉपुलेशन का है और उसके अंदर आपका जो मीन है वो हंड्रेड और उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन 15 है नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इंडिविजुअल जिसका के आईक्यू जो है वो लेस देन 120 है सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे तो प्रॉब्लम इज आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी और प्रोपोर्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हम उसका जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे जी स्कोर का फॉर्मूला आपको पता है एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन तो so, आपने 120 के करस्पॉन्डिंग जी स्कोर फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद आप एरिया मार्क करेंगे हमें कौन सा एरिया चाहिए सो so, आपके गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे आपका मीन 100 और स्टैंडर्ड एविएशन 15 है और आपका एक्स का वैल्यू जो है वो 120 है आपका जी की वैल्यू आ गई 1.33। अब इस वैल्यू को यूज़ करके यू विल ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन राइट तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और वो पूछ रहा है ये अगर वन है और ये वन पॉइंट थ्री थ्री है ये ज़ीरो है तो पूछ रहा है कि वन ट्वेंटी से बिलो आई क्यू कि उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो उसका मतलब है कि वो ये सारा एरिया पूछ रहा है यानी वॉट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ अ सेलेक्टेड एन इंडिविजुअल विद आई क्यू लेस देन वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग वन पॉइंट थ्री थ्री है तो हमने ये वाला एरिया देखना आपका जो कॉलम है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व का जिसके अंदर बी सी डी कॉलम्स हैं आपने उसमें बॉडी वाला बी कॉलम देखना है तो so, 1.33 के अगेंस्ट जो उसका एरिया वो बता रहा है वो है पॉइंट नाइन जीरो एट टू सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन विद आई क्यू लेस देन वन ट्वेंटी इज नाइन्टी परसेंट और नाइन्टी वन परसेंट पॉइंट नाइन ज़ीरो एट टू परसेंट है सो so, ये हमने मेरे खास से सोल्व कर लिया वहीं पे इसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दिस इज हाउ वी डिड इट वी फाइंड आउट द एरिया एंड हाई लाइटेड इट एंड देन वी फाउंड द जी स्कोर विच इज़ वन पॉइंट थ्री थ्री और उसके फिर हमने एरिया फाइंड आउट किया विच इज़ पॉइंट नाइन ज़ीरोट यानी एट uh, थ्री था शायद वो हमने नाइन्टी नाइन्टी वन कैलकुलेट कर ली इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है फाइंडिंग द प्रॉबिलिटीज़ located between two scores abhi tail tailvala abhi find out kia hamne main bodyvala abhi find out kia hamne area say z score we find out kia z score say area we find out kia ab this is an example of finding the probabilities within two points or within two scores the highway department conducted a study measuring driving speed on a local section of interstate highway they found an average speed of Mu is 58 miles per hour with a standard deviation of 10. The distribution was approximately normal. Given this information, what proportion of the cars are traveling between 55 and 65 miles per hour? Using probability notation, we can express the problem as what is the probability of having a x which is greater than 55 but लोअर दैन 65. सो so, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले Z स्कोर्स फाइंड आउट करेंगे इन दोनों स्कोर्स के लिए uh, कौन से दोनों स्कोर्स के लिए 55 और 65 के लिए सो आई विल कैलकुलेट द जी स्कोर जी वन मैं निकालूंगी विच इज़ इक्वल टू 55 फाइव एक्स माइनस मीन कितना है 58 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है 10. तो फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी एट इज़ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टेन विच इज़ इक्वल टू माइनस पॉइंट थ्री आ जाएगा टेन थ्री जटी अब मैं जी टू निकालूंगी विच इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव माइनस फिफ्टी एट इसका मीन है और स्टैंडर्ड डिविएशन टेन है विच इज़ इक्वल टू सेवन बाई टेन एंड विच इज़ इक्वल टू पॉइंट सेवन अब मेरे पास दो जी स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कि मैं नॉर्मल कर्व ड्रॉ करूँगी विद इट्स मीन ज़ीरो इन द मेडल और मैं दोनों जी स्कोर्स पॉइंट करूंगी इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आई हैव टू फाइंड आउट एरिया फ्रॉम मीन टू माइनस है तो वो हमारा लेफ्ट साइड पर हमेशा आएगा माइनस पॉइंट थ्री और फिर प्लस पॉइंट सेवन सो मैं एरिया यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट करूँगी और यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट करूंगी कैसे आई विल गो टू दैट एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टेबल आई विल सी एरिया फ्रॉम द मीन टू जी विच इज़ अ डी कॉलम और उसके अंदर मैं जीरो से पॉइंट थ्री तक का एरिया देखूँगी विच इज़ इक्वल टू पॉइंट वन वन सेवन नाइन यू कैन ओपन द टेबल एंड लुक एट द वैल्यूज़ एंड एरिया फ्रॉम जीरो टू पॉइंट सेवन इज इक्वल टू पॉइंट टू फाइव एट ज़ीरो सो so, मुझे प्रॉबिलिटी वो पूछ रहा है कि गिवन दिस इंफॉर्मेशन वट प्रोपोर्शन ऑफ द कार्स आर ट्रेवलिंग बिटवीन फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी फाइव माइल्स तो आई हैव टू गिव द प्रोपोर्शन ऑफ कार्स ट्रेवलिंग एट द स्पीड विद सो इसको मेरे ये वाला मुझे एरिया सारा चाहिए तो so, प्रॉबिलिटीज़ मैंने निकाली हैं आई वी एड बोथ प्रॉबिलिटीज पॉइंट वन वन सेवन नाइन प्लस पॉइंट टू फाइव एट ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू जमा करेंगे तो पॉइंट थ्री सेवन फाइव नाइन बन जाएगा सो द प्रॉबिलिटी और प्रोपोर्शन ऑफ़ कार्स जो ट्रेवल कर रही हैं बिटवीन फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी फाइव माइल्स पर आवर आर पॉइंट थ्री सेवन फाइव नाइन या थर्टी सेवन थर्टी एट परसेंट कार्स जो हैं वो इस माइल्स पर आवर स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही हैं So this is how we find out the area between from mean to any given x value and then finding the area actually is finding the probability or proportion of that event being occurred in given area. a core example solve kar finding scores corresponding to specific proportion or probabilities. have score find out karna abita हमने कैलकुलेट uh, किया है फ्रॉम फाइंडिंग z टू एरिया uh, उसका फाइंड आउट किया जहाँ पे Z गिवन था फिर हमने रॉ स्कोर से Z से एरिया फाइंड आउट किया एंड देन वी फाउंड Z स्कोर फ्रॉम अ गिवन एरिया और अब हमारे पास अगर Z भी गिवन हो और एरिया भी गिवन हो यानी प्रोबेबिलिटी भी गिवन हो तो हम किस तरह से X स्कोर को फाइंड आउट कर सकते हैं We can also find the score value corresponding to a specific proportion in a distribution. For this purpose, we begin with a specific proportion, use this unit normal table to look up the corresponding z score, and then transform the z score into that x value. We will solve this example. Hai. The average reported commuting time is 24.3. And yani mean to 24.3 minutes. Diya

हम उसको प्लेस कर सकें या फॉल कर सकें सो so, अब अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें मीन दी हुई है हमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन दिया हुआ है और एरिया हमें दिया हुआ है टेन परसेंट का टॉप टेन परसेंट का तो हम सबसे पहले टॉप टेन परसेंट के लिए z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि वी विल लुक एट द एरिया यानी कॉलम आप टेल वाला अगर आप देखते हैं तो कॉलम सी था मेरे ख़्याल से सो एरिया पॉइंट वन ज़ीरो ज़ीरो हमें एग्जैक्ट नहीं मिला था बल्कि हमें पॉइंट वन जीरो ज़ीरो थ्री मिला था और उसके करस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू जो थी हमारे पास यानी अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग जी वैल्यू देखें तो दैट वॉज वन पॉइंट टू एट थी अब अगर हमारे पास जी की वैल्यू भी है मीन की वैल्यू भी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन की वैल्यू है लेट्स पुट हमारे पास फार्मूला हमें पता है कि जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवियशन अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है आपके पास z की वैल्यू है दैट इज़ वन पॉइंट टू एट आपके पास x की वैल्यू नहीं है आपके पास मीन की वैल्यू है विच इज़ ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री और आपके पास स्टैंडर्ड डिवियशन की वैल्यू भी गिवन है तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एस एक्स को इस साइड पर लाएंगे तो ये डिवाइड होने के बजाय मल्टीप्लाई हो जाएगी वन पॉइंट टू एट और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे With टेन प्लस uh, plus 24.3 और ये हमारा बन जाएगा 12.8 पॉइंट एट प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री विच आपका कम्यूटिंग टाइम कितना होना चाहिए टू बी इन टॉप 10% तो आपका कम्यूटिंग टाइम ईच डे आपका 37 सेवन मिनट्स ऑलमोस्ट होना चाहिए